बिहार में जब से सीएम नीतीश और तेजस्वी की नई नवेली सरकार बनी है, तब से आरजेडी और जेडीयू के तमाम मंत्री और विधायक नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि पीएम कैंडिडेट रेस में नीतीश का नाम भी सबसे आगे है, लेकिन इन सब पर नीतीश कुमार खुद को पीएम मटेरियल बताने से लगातार इनकार कर रहे हैं। सीएम से जब पीएम पद की रेस के में होने का सवाल किया जाता है तो वे हाथ जोड़ लेते हैं। हर बार यही जवाब देते हैं कि पीएम बनने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के अन्य नेता हर मौके पर नीतीश कुमार को पीएम बनाने की फील्डिंग से नहीं चूक रहे। राजद के बड़े नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के अंदर पीएम बनने के सारे गुण हैं। अब इस कड़ी में तेजस्वी यादव के बाद उनके बड़े भाई और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव भी चाचा को पीएम बनाने की बात कह चुके हैं। ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा कि सीएम नीतीश अपने समर्थकों की बात मान लेते हैं या अपनी जिद पर ही डटे रहेंगे। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और अन्य नेताओं के बाद विधान पार्षद संजय सिंह भी इस कतार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजय सिंह ने अभी तक नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुके सभी नेताओं को पीछे छोड़ दिया। जेडीयू पार्षद संजय सिंह ने कहा कि जब चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक वैद्य का बेटा जो इंजीनियर भी है, वह देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? पूरा देश आज नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। यहाँ चाय वाले का बेटा कहने से संजय कुमार सिंह का इशारा नरेंद्र मोदी की ओर है। अपने आवास पर पटना जिला ग्रामीण के प्रखंड अध्यक्षों व प्रभारियों और पटना महानगर के सेक्टर अध्यक्ष व प्रभारियों की बैठक में जेडीयू नेता ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के नौजवानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर बैठ गए। आज देश महंगाई की मार झेल रहा है। संजय सिंह ने कहा कि सभी प्रखंड अध्यक्ष अपने प्रखंड में जनता दल का कार्यालय स्थापित करें। विधान पार्षद व जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आज दलित महादलित के टोला में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उस टोला के बुजुर्ग महादलित समुदाय के व्यक्ति द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। उस दृश्य को पूरा हिंदुस्तान देखता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को आगे आने का आह्वान किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन आर्य चंद्रवंशी एवं प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी विचार रखे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।